दोस्तों कंगना रनौत को सब जानते हैं कि किस प्रकार की भाषा यूज़ करती हैं। वो हालांकि कलाकार हैं लेकिन सब इसको अच्छी तरह जानते हैं कि आज की तारीख में पिछले 2-3 सालों से वो किस प्रकार से और सत्ता पक्ष के लिए कैसे बात करती हैं और कैसे उनके विवादित बयान आते हैं। जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि उन्होंने जो बयान दिए हैं वो किस प्रकार से जनता के बीच में ट्रोल हुई है, लेकिन अब जो मसला है वो हाथ जोड़ के सामने आती है और बोलती है कि मेरी फिल्म को आप देखिए। जरा देखिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले कल हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बहुत सराहना और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं। मैं जानती हूँ इस आधुनिक दौर में हर एक के पास अपना मोबाइल फोन है और घर में टीवी है, लेकिन कम्युनिटी व्यूइंग थिएटर जो है हमारी सिविलाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा बहुत शुरू से है। नृत्य, कला, कथकली और हर तरह का फोक डांस, फोकलोर्स, नाटक, ये हमारी कम्युनिटी लाइफ के, सोशल लाइफ के बहुत अहम हिस्से रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसिस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस्वी बहुत पसंद आएगी। जय हिंद। अब ये वीडियो आपने देख लिया, उसके बाद आप देखिए उनकी जो पिक्चर है वो पूरी तरह से पिट चुकी है। साथ साथ में एक और पिक्चर आई थी लेकिन वो उससे थोड़ा सा अच्छा कर रही है। कंगना रनौत अच्छी कलाकार है, उनकी जो पिक्चरें पहले आई हैं बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने पिक्चर बनाई है, जैसे कि फैशन, गैंगस्टर, मनु वेट्स तनु, अच्छी अच्छी मूवी बनाई है। लेकिन अब जब से वो राजनीतिक तौर पे आई हैं, बात कर रही हैं, उनकी जो सारी पिक्चरें हैं वो फ्लॉप हो रही हैं। शायद जनता को जो उनका राजनीतिक कनेक्शन है वो पसंद नहीं आ रहा, उसके कारण वो शायद वो कलाकार अच्छा नहीं बन पा रही या कलाकारी नहीं कर पा रही, अपनी एक्टिंग पे ऊपर वो ध्यान नहीं दे पा रही। उनकी लगातार पिछले 3-4 सालों से जो पिक्चर आ रही है लगातार पिट रही हैं। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार को भी देखेंगे आप, वो भी एक अच्छे कलाकार हैं लेकिन उनकी भी जो पिक्चरें हैं वो भी फ्लॉप हो जा रही हैं। तो जनता इनको बताते जा रही है कि या तो आप कलाकार बनके हमारे सामने आइए या फिर एक राजनीतिक तौर पे आप जो पार्टी का बयान देते हो और विवादित बयान देते हो तो उनके ऊपर उनके साथ लीजिए। तो जनता ने बिल्कुल साफ तौर से बता दिया है कि कलाकार तो कलाकार, नहीं तो आप राजनेता बनके आ जाइए और उसमें भी देख लेंगे कि आपको हम कितने वोट डालते हो और किस प्रकार से जीतते हो। तो हम जो बात कर रहे हैं इस समय वो बात कर रहे हैं इन कलाकारों की पिक्चरें जो लगातार पिट रही हैं, जो इनकी फैन फॉलोइंग थी वो लगातार कम होते जा रही हैं। तो अब कंगना को और अक्षय कुमार को सोचना पड़ेगा अपने कैरियर के लिए कि आगे इस कैरियर को कैसे हम उसको निखारें और कैसे आगे बढ़ाएं। अब लगता है कि इन दोनों का जो कैरियर है वो अंतिम दौर पे है, क्योंकि लगातार जब आपकी पिक्चरें फ्लॉप हों और आप जो पैसा लगा रहे हो तो वो आपको रिकवर ही ना हो तो एक दिन आपको नुकसान तो होगा ही। ये पिक्चर का जो बजट था कम से कम 45 करोड़ था, लेकिन इसकी कलेक्शन हम जब देखें और आपको दिखाएं लगभग 4-5 करोड़ रुपये हुई है और बुरी तरह से ये पिक्चर पिट चुकी है। नमस्कार, मैं खबरी लाल, मेरे कैमरे के पीछे थे रोहित शर्मा।